छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पंचायत सचिव व रोजगार सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। पंचायत सचिव व रोजगार सहायक सचिवों का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जिससे उनमें रोष पनपता जा रहा है। चेताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि पंचायत सचिव व रोजगार सहायक सचिव के धरने से ग्रामीणों को अपना काम करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बताते चले कि पंचायत सचिव का अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही रोजगार सहायकों का भी धरना जारी रहा। आज उनके अनिश्चितकालीन धरने का दूसरा दिन था। आपको बता दें कि पंचायत सचिव व रोजगार सहायक सचिव अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिवों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी आज कच्चे कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिससे हम सभी प्रदेश भर के सचिव व रोजगार सहायक धरने पर बैठे हैं। चेताते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, रोजगार सहायक सचिव एवं पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। समाचार एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं अजय कुशवाहा। आज हम लोग बलरामपुर जिले के विकास खंड वाडप नगर में मौजूद है और यहाँ पे जो रोजगार सहायक है प्रांतीय आवाहन के जो मांगे थी, उन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार जब बनी थी 2018 में, तो इन रोजगार सहायकों को पता था कि जो सरकार बनी है हमारे ऊपर ध्यान देगी और हम लोग जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस दौरान हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज इनका दूसरा दिन है और यहीं बगल में जो सचिव हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 2 साल परीक्षा अवधि के उपरांत भी उनको निम्नीकरण नहीं हुआ है और हमारे सामने रोजगार सहायक पूरे मौजूद है। यहाँ देख पंडा लगा हुआ है और इनके सामने जो बैनर लगा है जो साफ शब्दों में लिखा गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनकी धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हमारे सामने मौजूद है रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हम उनसे बातें करेंगे क्या क्या मांगे हैं और मांगे जब तक पूरा नहीं होता है तक किस कंडीशन तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है, मेरा नाम गिरीश कुमार यादव है। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं, ग्रेड के निर्धारण पर नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा मांग है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है वहाँ के रोजगार सहायकों को नगर निगम पंचायतों में सेवा पर रखा जाए। हमारा तीसरा मांग है ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए एवं ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए। हमारी ये 3 मांगे हैं। हमारे सामने और बहुत से रोजगार सहायक हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला पटवा है। तो आप लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है ये किसके संदर्भ में है, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मांगे इस प्रकार हैं, पहला है ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा है जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम और नगर निकाय में शामिल किया गया है वहाँ के रोजगार सहायकों को नगर निकाय में सम्मिलित किया जाए और अन्य रिक्त पंचायत में रोजगार सहायकों को सेवा दी जाए। तीसरा है रोजगार सहायकों को वरीयता के आधार पर सचिव पद पर पदस्थ किया जाए और रोजगार सहायकों को सचिव सहायक बनाया जाए। जैसे हम बात किए जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात किए, इनकी मुख्य 3 मांगे हैं। इनकी मुख्य 3 मांगे हैं, ये जब से काम करें विगत 13 से 14 वर्ष हो गया है लेकिन ये इनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इनकी मुख्य मांगे हैं ग्रेड पर निर्धारण का नियमितीकरण प्रदान किया जाए। दूसरा है जिन ग्राम पंचायतों में नगर निगम पंचायत को शामिल किया जा रहा है वहाँ के रोजगार सहायक को नगर निगम पंचायतों में सेवा पे उसी स्तर पे रखा जाए। उनकी तीसरी मांगे हैं ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव के पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए, इसलिए इनकी मांगे हैं और इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे सामने बगल में सचिव लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। उनकी 26 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हमारे सामने देख सकते हैं भाई ब्लॉक के सचिव हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति अध्यक्ष सचिव संघ वाडप। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों के मुख्य मांगे हैं कि 2 वर्ष के बाद हमको नियमितीकरण किया जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सचिव हैं जो विगत 25 वर्षों से कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं और हम लोग का शुरू से ही वेतन मान में विसंगति रहा है, तो हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। और दूसरा इस हड़ताल के पीछे लॉजिक ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में
यह बात बोला गया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो आप लोगों को निःशस्त्रीकरण कर देंगे, तो हम लोग उनके वादाओं को भी याद दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और हम लोगों के समर्थन में सारे प्रदेश के रोजगार सहायक भी हम लोगों के साथ हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं। उनकी भी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग अपने पंडाल से नहीं उठेंगे। जैसे आपने देखा हम सचिव संघ के अध्यक्ष से बात की, उनका साफ कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आती है तो हम सभी को नियुक्तिकरण और उनके आधार व्यवस्था के आधार पे उनको किया जाएगा। और हमारे सामने और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं। और जान क्या नाम है आपका? जी मैं जगदेव राम मरकाम। तो क्या समस्या आप लोगों की? हम लोगों की मुख्य मांग एक है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि के पश्चात हमें शासकीयकरण किया जाए। इसका जब तक पूरा मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। फलस्वरूप अब तो अपन लोगों के पास संयुक्त रूप से मांग हो गई, संयुक्त रूप से लड़ाई होगी, रोजगार सहायक संघ भी साथ हमारी है। जब तक हम दोनों की मांग पूरा नहीं होती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप साफ देख सकते हैं, इन्होंने बताया पूरे प्रदेश भर में, वार्ड की बात नहीं है, पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरे सचिव प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं अजय कुशवाहा, बलरामपुर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.